नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान अब बुरी तरह से बौखला चुका है। अभी तक की सारी हरकतें उसकी बौखलाहट को साफ दिखा रही हैं, बल्कि उसकी भारत के प्रति जो नफरत है वो भी अब जग जाहिर हो चुकी है। पाकिस्तान के द्वारा भी हाल ही में समझौता एक्सप्रेस को बॉर्डर पर रोका जाना इसका जीता जागता सबूत है, जिसमें उसमें बैठे लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान से संदेश आया कि भारतीय रेल अपने ड्राइवर और क्रू मेंबर को भेजकर समझौता एक्सप्रेस को ले जाए, जिसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का बदला हुआ रूप अब भारतीयों के समझ में आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट रोज जिस तरह से सामने आ रही है उसका चेहरा साफ तौर पर सबके सामने आ चुका है। पाकिस्तान की आतंकवादी हरकतों से तो आप लोग वाकिफ थे ही, और अब उसका यह दोहरा रूप उसका असली चेहरा व्यक्त करता है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बौखलाहट अब बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगाने के निर्णय में भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जाहिर है पाकिस्तान का ऐसा करना भारत के प्रति उसके सौतेले व्यवहार को साफ तौर से दर्शाता है। साथ ही साथ राजनीति को भी वो फिल्मों में डालकर अपनी संकीर्ण मानसिकता को दिखा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का दोहरा रूप भारत के सामने आया हो, बल्कि सदियों से पाक का ऐसा सौतेला व्यवहार भारत के लगातार सामने आते रहा है। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।